नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कसरावद में फर्ज ए कुर्बानी के त्यौहार बकरा ईद ईद उल अजहा शनिवार को मुस्लिम समाजजनों ने शासन के नियमों का पालन करते हुए 5 लोगों द्वारा मस्जिद में नमाज अदा की गई और घर में नमाज अदा कर ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज जनों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान बच्चों ने भी एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। कुर्बानी के लिए बकरों को भी फूल माला पहनाकर सजाया गया। जामा मस्जिद शाही इमाम मोहम्मद नईम अख्तर ने बताया कि शासन के नियम के अनुरूप शनिवार को बकरा ईद पर सार्वजनिक रूप से ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते हुए 5 व्यक्तियों द्वारा ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई और बाकी लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की गई। कसरावद तहसील से अजीज सूफी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई गई है। कितने लोगों ने पढ़ी? 5 लोगों ने पढ़ी है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि जो फिल वक्त में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा है, जो बीमारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, तो हमने ईद उल अजहा की नमाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बीमारी को हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जल्द निस्तनाबूद कर दे और इंशाल्लाह हम हमेशा प्रशासन का साथ देते रहेंगे। जिस हिसाब से प्रशासन की मौजूदगी में हमने नमाज पढ़ाई है, 5 लोग उसमें मौजूद थे, तो नमाज हो चुकी है और अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द इस बीमारी को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हिंदुस्तान से दूर। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।